हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसजी के सल वर्ल्ड अर्थशास्त्र के साथ। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टॉप 100 एडोब फोटोशॉप एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर के बारे में। तो पार्ट वन का मैं इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, 1 से लेकर 50 तक। उसके बाद पार्ट टू में डालूंगा 51 से लेकर 100 तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एएसजी के सल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वर्क फोटोशॉप यूज्ड? फोटोशॉप का वर्क कहाँ पे किया जाता है? फॉर ग्राफिक्स बनाने के लिए, फॉर एनिमेशन के लिए, फॉर प्रोग्रामिंग के लिए, फॉर तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? फॉर ग्राफिक्स के लिए। पहला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए आंसर हो जाएगा, यानी फॉर ग्राफिक्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेनू इज फोटोशॉप? इसमें से कौन सा मेनू जो होता है जो फोटोशॉप में नहीं होता है? इमेज का मेनू होता है, सेलेक्ट फिल्टर भी मेनू होता है, फिल्टर का भी मेनू होता है, और यानी कि टूल्स का भी होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का डी हो जाएगा। टूल्स क्या होता है? ये मेनू नहीं होता है, ये टूल्स होता है। टूल्स का हम लोग यूज़ करके काम करते हैं। तीसरा नंबर, हाउ टू मेक द न्यू लेयर इन फोटोशॉप? फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, लेयर में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, इमेज पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, या एडिट में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे? तो तीसरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, लेयर पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो लेयर न्यू लेयर ये ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा आंसर बी हो जाएगा। चौथा, इन फोटोशॉप अलाउ टू ऑब्जेक्ट, इन फोटोशॉप डैश अलाउ ऑब्जेक्ट वर्क इन इमेज ऑब्जेक्ट विदाउट टेस्टिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट? डॉट मैट्रिक्स होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, प्रिंटर होता है, इंजेक्ट प्रिंटर होता है, या लेजर प्रिंटर होता है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डॉट मैट्रिक्स होता है। डॉट मैट्रिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इमेज में विदाउट टेस्टिंग प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, पचवा, विच कंपनी मेड इमेज रेडी? एडोब सिस्टम होता है, क्रिएटिक्स सिस्टम ओएस होता है, या सिस्को सिस्टम होता है, या माइक्रोसॉफ्ट होता है? जो कंपनी फोटो इमेज रेडी को बनाने वाला कौन होता है? यहाँ पे पचवा का हो जाएगा ए आंसर, यानी एडोब सिस्टम्स होता है। तो दोस्तों नंबर 6, व्हाट इज द एक्सटेंशन इन फोटोशॉप? फोटोशॉप का एक्सटेंशन कोड क्या होता है? डॉट बीएमपी होता है, डॉट जेपीजी होता है, डॉट टीएक्सटी होता है, या डॉट पीएचडी होता है? तो यहाँ पे ये फोटोशॉप का क्या होता है? फोटोशॉप एक्सटेंशन कोड डॉट पीएचडी होता है, यानी 6 का डी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन, विच मेनू कंटेन द डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन इन फोटोशॉप? फोटोशॉप में डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज होता है? इमेज होता है, लेयर होता है, फिल्टर होता है, या एडिट होता है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी कि लेयर होता है। ठीक है दोस्तों, फोटो डुप्लीकेट बनाने के लिए लेयर का यूज करेंगे। 7 का बी आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर यूजिंग द ग्रेडियंट टूल्स? इसमें से कौन सा ग्रेडियंट टूल का यूज करते हैं? पेज मेकर में करते हैं, पेंटिंग में करते हैं, या फोटोशॉप में करते हैं, या ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में करते हैं? तो 8वां आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी फोटोशॉप में ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है, जो मल्टीपल कलर होता है उसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, 8वां का सी आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ DPI, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच होता है, डॉट पर इंक होता है, डिस ऑफ पॉइंट इंक होता है, ऑल अवेब होता है। इसका हो जाएगा पहले 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, डॉट पर इंच होता है। नेक्स्ट आता हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RGB? RGB का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ग्रे ब्लू होता है, रेड ग्रीन ब्लू होता है, रेड ग्रे ब्लू होता है, रेड ग्रीन ब्लैक होता है। तो ये 10वां का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, यानी रेड ग्रीन ब्लू होता है 10वां का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMYK? सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक कॉल होता है, सियान मजेंटा येलो एंड ब्लू होता है, सियान मजेंटा येलो एंड ब्राउन होता है, सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक होता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक होता है, यानी 11 का बी हो जाएगा। 11 का आंसर सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक। ठीक है, 11 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 12 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फॉर्मेट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी का कौन सा ऑप्शन फॉर्मेटिंग का यूज होता है, फॉर्मेट करने में यूज होता है? यानी कि ये विच ऑफ दिस फॉर्मेट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, कौन सा ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी में किया जाता है? तो JPG होता है, PNG होता है, GIF होता है, या JPG होता है? ठीक है, तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा? PNG होता है। क्या होता है यहाँ पे? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी PNG में होता है उसको हम लोग, ट्रांसपेरेंसी के बैग में होता है उसका। 12 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ 13,
तेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ द जीआईएफ है, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ग्राफिक इंटरफाइल होता है, या ग्रे स्केल इंटरफाइल होता है, या ग्राफिक इंटरचेंज फाइल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है फुल फॉर्म, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है मेरा, तेरा का डी होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फाइल होता है। ठीक है दोस्तों, ग्राफिक इंटरचेंज फाइल होता है, यानी कि तेरा का डी हो जाएगा। बट इन विच ऑफ दिस फॉर्मेट डज नॉट चेंज द इमेज क्वालिटी वेन इज द सेव्ड, कौन से मतलब फॉर्मेट हम लोग सेव करेंगे तो इमेज क्वालिटी उसका चेंज नहीं होगा। जैसे टीप फाइल होता है, जेपीजी फाइल होता है, पीएनजी फाइल होता है, जीआईएफ फाइल होता है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। टीप फाइल हम लोग सेव करते हैं तो उसका इमेज का क्वालिटी चेंज नहीं होता, यानी कि 14 का ए आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ दिस फॉर्मेट इज नॉट इमेज फॉर्मेट, इसमें से कौन सा इमेज का फॉर्मेट नहीं होता है, ईपीएक्स होता है, पीसीएक्स होता है, डब्ल्यू पी जी होता है, डी पी आई होता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, डी पी आई डॉट पर इंच होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी पी आई का यूज़ करते हैं, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग एस इन एच एस बी कलर मॉडल, व्हाट इज द मीनिंग एस एच एस बी कलर मॉडल, मॉडल का कौन सा यूज होता है, एच एस बी कलर का मॉडल कौन होता है, कलर होता है, सेचुरेशन होता है, ब्राइटनेस होता है, ऑल ऑफ दिस होता है। इसका 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सेचुरेशन होता है, यानी 16 का बी आंसर हो जाएगा। 17, विच ऑफ द कलर मोड ऑफ यूज ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए कौन सा कलर यूज, मतलब कि कौन सा फॉर्मेट का यूज होता है, मोड का यूज होता है, तो आरजीबी होता है, सेम वाई के होता है, या ग्रे स्केल होता है, या जेपीजी होता है। तो हमेशा प्रिंट में क्या होता है, सीएमवाईके का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 18, एग्जाम्पल ऑफ विक्टर इमेज आर कौन सा होता है, ईपीएस होता है, जीएमपी, बीएमपी होता है, जीआईएफ होता है, जेपीजी होता है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर, ईपीएस होता है, इमेज विक्टर मोड में जो सेव होता है उसको क्या बोलते हैं, ईपीएस बोलते हैं। 18 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ द कलर रेड येलो एंड ब्लू, ये कौन सा कलर होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टेरेटरी कलर होता है, या कमेंट्री कलर होता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइमरी कलर होता है। सेकेंडरी कलर कौन सा होता है, सेम वाइट होता है। ठीक है दोस्तों, 20, व्हाट डिड फोटोशॉप स्टार्ट, फोटोशॉप कब स्टार्ट किया गया था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, जिसमें का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, 1988 में। 21, फोटोशॉप लॉन्च इन विच कंपनी, फोटोशॉप लॉन्च करने वाले कौन सी कंपनी होता है, एडोब होता है, एल्डस होता है, यूलो होता है, या माइक्रोसॉफ्ट होता है। तो एडोब क्या करता है कंपनी को, फोटोशॉप को कंपनी क्या है, एडोब। पहला 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 22, द इमेज आर मूड ऑफ, डी पी आई होता है, पिक्सल्स होता है, ड्राइंग होता है, पिक्चर्स होता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, यानी पिक्सल्स में होता है, जो इमेज इमेज का मूड क्या होता है हमारा, पिक्सल होता है। 23, बाई यूजिंग विच ऑफ दिस ऑप्शन इज न्यू फाइल इज क्रिएटेड इन फोटोशॉप, क्वेश्चन नंबर 23, बाई यूजिंग विच ऑफ दिस ऑप्शन न्यू फाइल इन क्रिएटेड इन फोटोशॉप, फोटोशॉप में न्यू फाइल में खोलने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है, फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करते हैं, फाइल में जाके ओपन करते हैं, या क्रिएट करके न्यू करते हैं, या स्टार्ट फाइल करते हैं यहाँ पर। तो 23 का क्या हो जाएगा, फाइल में जाके न्यू करते हैं, ये पहला आंसर हो जाएगा। 24, व्हाट इज द शॉर्ट की ऑफ न्यू फाइल इन फोटोशॉप, फोटोशॉप में नया फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्ट की होगा, फाइल में जाकर न्यू करते हैं, कंट्रोल प्लस एन करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करते हैं, या शिफ्ट प्लस एन करते हैं। 24 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ, 25 क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ दिस कलर मॉडल इज मॉडल इज नॉट इन फोटोशॉप, इसमें से कौन सा मॉडल फोटोशॉप का नहीं है, आरजीबी, एलएबी, सीएनवाईके, एसएसबी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26, raster इमेज ऑल्सो इज नोन एज, कलर इमेज होता है, बिटमैप इमेज होता है, कर्व होता है, या ग्राफिक्स इमेज होता है। raster इमेज ऑल्सो इज नोन एज क्या होता है, कलर इमेज होता है, बिटमैप इमेज होता है, कर्व होता है, या ग्राफिक्स इमेज होता है। तो raster इमेज कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ये 26 का बी आंसर होता है, बिटमैप इमेज में होता है। 27, व्हाट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स आर मोड ऑफ पिक्सल, इसमें से कौन सा ग्राफिक्स मोड ऑफ पिक्सल में यूज होता है, रास्टर इमेज होता है, विक्टर इमेज होता है, ए एंड बी बोथ होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर इमेज होता है। ठीक है दोस्तों, 27 का बी आंसर है। नेक्स्ट आता है, 28, विच टूल इज यूज टू मूव एन इमेज इन फोटोशॉप, कौन सा टूल यहाँ पे मूव करने के लिए यूज किया जाता है, स्लैश टूल, सेलेक्ट टूल, ट्रैक टूल, मूव टूल। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा, मूव टूल का यूज किया जाता है। 29, which tool used to select the similar pixel, lasso tool, magic tool, magic eraser tool, clone tool। 29 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, मैजिक टूल का यूज करके हम लोग
सिंगल पिक्सल का यूज कर सकते हैं। 30 विच टूल इज यूज टू द फिल सिंगल कलर इन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में सिंगल कलर के यूज करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पेंट टूल करते हैं, पेंट बकेट टूल करते हैं, या बैकग्राउंड कलर करते हैं। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पेंट टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है 31 विच टूल यूज टू द रिमूव द स्पॉट इन द इमेज। स्पॉट इन द इमेज रिमूव करने के लिए कौन सा इसमें टूल्स का यूज करते हैं, इसमें इमेज पे इरेजर टूल का यूज होता है, स्पॉट ब्रश टूल का होता है, स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल का होता है, या ग्रेडिंग होता है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं किसी भी इमेज को स्पॉट रिमूव करने के लिए। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 विच टूल इज यूज टू द ब्लर इन द ब्लर द इमेज। ब्लरिंग करने के लिए इमेज का कौन सा यूज टूल किया जाता है, शार्प टूल होता है, ब्लर होता है, स्मूथ होता है, या डॉज होता है। 32 का क्या हो जाएगा, ब्लर होता है। 33 विच टूल यूज टू द सेलेक्ट एनी कलर टू फ्रॉम द इमेज इन फोटोशॉप। पेन टूल, पेन पॉकेट टूल, आई ड्रॉपर टूल, जूम टूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, पेन पॉकेट टूल का यूज किया जाता है सेलेक्ट एनी कलर इमेज को फोटो करने के लिए। तो 33 का बी हो जाएगा। 34 विच हेल्प ऑफ द विच टूल इज द करेक्टर इन इंसर्टेड इन द फोटोशॉप। स्लैश टूल होता है, टैब टूल होता है, पेन टूल होता है, या पेंसिल टूल होता है। तो 34 का आज क्या हो जाएगा आंसर हमारा, बी हो जाएगा, ये टैब टूल का यूज करते हैं, जो भी कैरेक्टर को लिखना है, इंसर्ट करना है, वो टैब टूल का यूज करते हैं। 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 विच इज द प्लेस वेल यूजिंग द क्लोन टूल। क्लोन टूल के यूज करने के लिए कौन सा की प्रेस किया था, अल्ट का, कंट्रोल का, शिफ्ट का, या टैब का। 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, अल्ट प्रेस करके कोई भी क्लोन को हम लोग ले सकते हैं। 35 का आंसर ए हो जाएगा। 36 व्हाट इज द कॉल्ड चेंज ऑफ द साइज ऑफ एन इमेज। इमेज को चेंज करने के लिए साइज को क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, कॉन्टेक्ट किया जाता है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है साइज पे, किसी भी इमेज को साइज को छोटा बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट आता हूँ 37 विच टूल यूज टू द लाइट द पिक्सल ऑफ द इमेज इन फोटोशॉप। फोटोशॉप को लाइट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, स्मूथ टूल, शार्पन टूल, ब्लर टूल, और डॉज टूल। 37 का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, डॉज टूल का यूज किया जाता है किसी भी लाइट पिक्सल करने के लिए। 38 विच ऑफ दिस प्लेट इन नॉट इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में कौन सा प्लेट नहीं होता है, लेयर प्लेट, नेविगेटर, चैनल, ड्राइंग। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ड्राइंग टूल का यूज नहीं होता। 39 व्हाट इज द शॉर्ट की ऑफ जूम मोड। कंट्रोल प्लस ग्रेटर होता है, कंट्रोल प्लस वो होता है, कंट्रोल प्लस माइनस होता है, कंट्रोल प्लस सेफ होता है। तो जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस होता है, 39 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन फिल्टर। फिल्टर में कौन सा ऑप्शन होता है, नीचे लिखा हुआ है, ब्लर, नॉइज, लिक्विफाई, ऑल ऑफ दिस। 40 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस होता है। 41 विच ऑफ दिस प्लेट इज नॉट डिस्प्ले ऑन द बाय डिफॉल्ट इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में कौन सा डिस्प्ले प्लेट नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, हिस्ट्री प्लेट होता है, नेविगेटर प्लेट होता है, लेयर प्लेट होता है, या कलर प्लेट होता है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, यानी कि लेयर प्लेट नहीं होता है। 42 क्रॉप टूल इज यूज टू द, कहाँ किया जाता है क्रॉप टूल, टू कट द इमेज, टू मूव द इमेज, टू पेंट द इमेज, टू सिलेक्ट द इमेज। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, टू कट द इमेज के लिए किया जाता है, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा इसका 42 का। नेक्स्ट आता हूँ विच इज द यूज टू रिमूव द सिलेक्शन ऑन द इमेज। इमेज को रिमूव करने के लिए कौन सा सिलेक्शन यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस आई। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए क्या करता है, कंट्रोल डी करता है। 44 विच ऑफ दिस टूल इज नॉट ए सिलेक्शन टूल। इसमें से कौन सा सिलेक्शन टूल नहीं होता है, लासो टूल, मैजिक वन टूल, पॉलीगन टूल, या पेन टूल। तो 44 का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे पेन टूल। पेन टूल आपका क्या होता है, नॉट ए सिलेक्शन, सिलेक्शन ये नहीं होता है। 45 विच इज दिस इज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फोटोशॉप। इसमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल फोटोशॉप में नहीं होता है, 45 पे क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा, ड्राइंग टूल नहीं होता है, ऑप्शन बार और टूल बार प्लेट सब होता है। ठीक है दोस्तों, 45 का ए आंसर हो जाएगा। पेंटिंग टूल, पेंटिंग टूल के लिए कौन सा यूज किया जाता है, पेंसिल, ग्रेडियंट, ब्रश टूल, एंड ऑल ऑफ दिस। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रश टूल का यूज किया जाता है। 47 द शॉर्ट की ऑफ एक्टिवेट द फ्री ट्रांसफॉर्म बॉक्स। और फ्री ट्रांसफॉर्म बॉक्स करने के लिए कौन सा टूल का यूज किया जाता है,
एक शॉर्ट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस डी, तो 47 का क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी होता है। नेक्स्ट आता है द की 48 का क्वेश्चन क्या है, द की टू द प्लेस व्हेन यू यूजिंग द क्लोन स्टेपिंग टूल, क्लोन स्टेपिंग टूल करने के लिए कौन सा की यूज करता है, तो यहाँ पे 48 का ए हो जाएगा। अल्ट प्लस प्रेस करके कोई भी क्लोन को यहाँ पे लिया जाता है। 49, 49 में क्या होता है, शॉर्ट की ऑफ द एक्टिवेट द पेन टूल, कौन सा शॉर्ट की यूज कर सकता है एक्टिवेट पेन करने के लिए, तो ये पी ओ किया जाता है, ठीक है, पेन टूल को एक्टिवेट करने के लिए पी प्रेस करता है, डी हो जाएगा। 50, माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप इसमें कौन सा ये ऑप्शन सही है या गलत है, तो माइक्रोसॉफ्ट यूट नहीं किया था, ये फॉल्स आंसर हो जाएगा, ये अडॉप्ट करने वाला है, फोटोशॉप को एस्टेब्लिश कौन किया था, अडॉप्ट कॉर्पोरेशन ने किया था, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस को किया था, यहाँ पे 58 का हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। इसी तरह वीडियो देखने के लिए एस एजुकेशनल वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें तो ताकि जब भी वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ये मैं पूरा DTP का पैकेज मैं इसमें डालने वाला हूँ, MCQ क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे फोटोशॉप पर डाला हूँ, इसके बाद इससे पहले मैंने नोट पर वर्ड पर पेन डॉस और फंडामेंटल के क्वेश्चन डाला हूँ, आप प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो MCQ क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे खुद भी आप पढ़ें और दूसरों को भी इसको शेयर करें, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।